तो गाइस पिछले एपिसोड में यहाँ तक ख़त्म किया था, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो फुल देखा और मैंने कहा था मेरा पिछली बार एम था 7 टारगेट, लाइक एम 7 था, तो आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मुझे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, न्यू है वो अपने आप मतलब सब्सक्राइब करके जाए। ऐसा करती हूँ आप लोगों को ये गेम प्ले अच्छा लगे, तो अभी आगे बढ़ता हूँ। तो इस बार मैं इसमें मेलबेर को मैं पकड़ने वाला हूँ पास में, मतलब कोशिश करूँगा मेलबेर को पकड़ने के लिए। देखो यहाँ पर ये न्यू ट्रैप है, यहाँ पर भाई बॉम्ब भी लगा दिया भाई इन लोगों ने, तो कोई ओ नाइस। मुझे यहाँ से ये बॉक्स चाहिए क्योंकि यहाँ से पावर 5 स्मूदी मिलेगा, जो मुझे एक ही चाहिए स्मूदी, और ट्रेनेट होने से भी मुझे एक ही चाहिए था शायद। हाँ ये मिला मुझे ट्रेनेट क्रिस्टल मिला है। ओ नाइस कंप्लीट हो गया, क्रिस्टल कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या पावर मिला मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन कलेक्ट करना बोलता है तो कलेक्ट कर लेता हूँ। और मुझे स्मूदी चाहिए, स्मूदी मिलने से क्या होता है ये एक तो मालूम है, जो एलियन का स्पीड होता है पावर होता है वो थोड़ा अपग्रेड होता है, तो ये मुझे मालूम है। लेकिन ट्रेडेनाइट से ये स्किटल मतलब क्या होता है इससे मालूम नहीं मुझे, इसका नाम भी अच्छी ज़्यादा मालूम थी। तो यहाँ पर बॉम्ब शॉम लगा दिया है ये रोबोट ने, तो चलो अभी देखो इस तरह से घूम कर आने वाला हूँ मैं, अभी बहुत दूर से घूम कर आ रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आज अभी तक आप लोगों ने न्यू हो सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो, ऐसे ही मज़ेदार गेम प्ले आने वाला है। और इस गेम प्ले के बाद मतलब इस गेम को ख़त्म करने के बाद मैं मोबाइल में ही रेसिडेंट इवल 7 या 6 खेलने वाला हूँ, जो अभी किसी ने अपलोड की नहीं। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो, अगर आप लोगों को हॉरर गेम अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही मज़ेदार गेम प्ले आते रहेगा। तो अभी चलो गेम पे फोकस करता हूँ। ओ भाई बहुत देर से चल ही रहा हूँ, कब ख़त्म होगा ये चलने का भाई, जल्दी चल, बहुत स्लो जा रहा है भाई, फौरन से लेकिन स्पीड नहीं जाता है। तो मुझे इस तरफ जाना है, ठीक है इस तरफ ही ऊपर जाना है मालूम नहीं, लेकिन मैं ऊपर भी देखने वाला। अब चलो बहुत थक गया भाई आते आते, चल चल जल्दी उतर, ठीक है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो एलियन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी को भाई यहाँ पर आ गए स्पाइडर, तो मैं कोशिश करूँगा इस बार मैं मेलबे से मिलूँ या मेलबे से बात भी करूँ। आप लोगों ने पता होगा पिछली बार इसके पहले मैंने डॉक्टर एनिमो को ख़त्म किया था। डॉक्टर एनिमो ख़त्म करने के बाद मुझे डॉक्टर एनिमो से एक चीज़ मिला था, कुछ ऐसा ही चीज़ जो टेक्नोलॉजी था जो मेलबे को गुफा से बाहर निकल सकता है, और मुझे मेलबे को वहाँ पर लेकर जाना होगा जहाँ पर रुक फर्स्ट टाइम टेलीपोर्ट हुआ था पास में, बैन के पास में। मुझे मेलबेर को भी वहाँ उस गुफे में लेकर जाना है, तो बहुत तकलीफ़ होने वाला है, मतलब बहुत मेहनत करने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोगों ने ये जगह दिखा रखा हो सा लगा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैं अभी बैन के पास में रुक जहाँ स्पॉन हुआ था फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर ही मैं जा रहा हूँ मेलबेर को ढूंढने के लिए। तो वहाँ उधर ही शायद तीसरा वाला जनरेटर है, जो रुक और ग्रीवा और ब्लू किस ने 3 जनरेटर बनाया था ना, तो वहाँ से 2 तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया था, 1 बचा था। तो वो जनरेटर बैन के रुक जहाँ स्पॉन हुआ था वहीं पर है शायद, तो उससे मुझे फ़ायदा होगा, ऐसा ही होना चाहिए। तो वो जनरेटर फिर क्यों बचा कर रखेगा, तो उसका काम ही कुछ होगा शायद ऐसा ही। तो उस जनरेटर के साथ डॉक्टर एनिमो का जो हथियार मुझे मिला था, उस दोनों शीशों से मैं मेलबेर को लालच देकर गुफा के बाहर लाने वाला हूँ। तो चलो अभी इन लोगों को ख़त्म कर लेता हूँ, अभी आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर एक ही बचा है मकड़ी इस वाइट वाला, तो इसको भी मार लेता हूँ। चलो अभी आगे बढ़ो, ये बार तो ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पर जितना हो सके मैं एलियन का पावर सेव करने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं मेलबेर के बहुत पास करीब होने वाला हूँ, क्योंकि आई गेस मुझे लग रहा है क्योंकि ये जगह मैंने पहले बार भी देखा हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था। क्योंकि मैं अभी ये देखो ये पार्कोर मैंने पहले भी पार किया था इसी तरह का, तो मैं जितना पास जा रहा हूँ उस मेलबे के पास उतना ही मतलब बहुत सारा स्पाइडर स्पॉन हो रहा है। ये लास्ट एक स्पाइडर है, इसको भी ख़त्म करके आगे बढ़ता हूँ। चलो भाई चलो चलो मेलबे, तुम मुझसे छुप नहीं सकता, जल्दी से मैं भी आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुमको ख़त्म करने के लिए। भाई मेलबेर को अगर ख़त्म कर दिया तो रुक का पोटोडुल कैसे मिलेगा, तो इसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता है, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा उसको ना, रुक का जो पोटोडुल है उसको
लाने के लिए। तो अरे भाई एक टाइम ट्रेवल बहुत कन्फ्यूजन है भाई, बहुत कन्फ्यूजन है। ओ ये रहा, मुझे मिला था ना। ओ भाई Malware might be attracted by that tech, but we failed to take into account what it was designed to attract. तो बेन कह रहा है वहाँ पर जहाँ पर रेंज गिरा था ना वहाँ पर मेलवेयर आ सकता है, मतलब आएगा, अभी आएगा। तो रुक कह रहा है मेलवेयर को आने के लिए जो चीज मतलब इस चीज से लूप लगा है, लेकिन इस चीज से क्या बना है, मतलब जिस चीज से वो रेंज निकला था ना मेलवेयर को निकलने के लिए लालच दिया था, वो चीज किस चीज से बना है, मतलब क्या है वो जो उसके लिए मेलवेयर एक गुफे से बाहर आएगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन है, तो इस चीज़ से क्या होगा कुछ मालूम नहीं है, लेकिन क्या मेलवेयर आएगा बाहर आएगा मालूम नहीं। मैं सबसे पहले इन लोगों को ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि मेलवेयर इन लोगों को ख़त्म होने के बाद ही शायद आ सकता है। भाई बहुत देर से इन लोगों को मार रहा हूँ, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। नकल निकल यहाँ से, तुमने बॉस को भेज निकल। ओ नाइस, वो मेलवेयर आ गया। ओ भाई Tennyson and the other one as well. ठीक है। If you plan to stop me from absorbing this technology, you are wasting your time. ठीक है, ठीक है, समझ गया। Well, we'll just see about that. पहले आप लोग सुन लो, उसके बाद मैं आपको बाद में समझा लूँगा। हाँ लुक, तुम जाओ जल्दी से पास में जाओ, बेन को, बड़े वाले बेन को ये समझा दो। ठीक है, समझ गया। Ben, the earlier version of malware is now in the cave where I first appeared in the past. Now we have to lure the malware of this time to the corresponding location so that Blukic and Driba can activate their program and merge the two time periods. That would be the training room in the plumber headquarters. I shut down the base and sealed it off when things started getting bad. I didn't want malware to find it. Then, obviously, we will have to come up with a new plan. We cannot allow malware to access the base. Actually, we have to. Malware wants a morphic generator, and the only one left is exactly where we need him to be. You cannot be serious. This is very risky. We're never going to fix this time travel mess unless we take out both malwares. If ever there was a time to take a risk, it's now. That's weird. The elevator usually goes directly to the control room. How did we end up in the power core? I think I know. Leave it to malware to be fashionably early. Come on. We have to get to the training room as fast as we can. मेलवेयर ने बेन को कहा है, बेन अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए मतलब मुझसे दुश्मनी मतलब मेलवेयर से दुश्मनी रखने के लिए मेलवेयर को पकड़ने के लिए या उसको मारने के लिए तुम अगर रुके हो मतलब उसके पीछे भागे हो तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं, तुम्हारा टाइम ही नुकसान हो रहा है, ऐसा मेलवेयर ने बेन को कहा है। फिर बेन ने कहा रुको तुम फ्यूचर में जाओ, हाँ फ्यूचर में जाओ, मैं क्या किया बेन ने कहा मैं इस मेलवेयर के साथ यहाँ पर ही रहूँगा, तुम फ्यूचर में जाकर बड़े वाले फैन को बताओ जाओ। ऐसे ही करके चौथे वाले बेन ने बड़े वाले बेन रुक को बड़े वाले बेन के पास भेज दिया। फिर बड़े वाले बेन टेनिसन ने बोला है कि तो बेन ने कहा है मतलब रुक ने कहा है कि मैंने पास में जाकर उस मतलब मेलवेयर को वहीं पर लाकर रखा है जहाँ पर रुक जिस गुफा में फर्स्ट टाइम स्पॉन हुआ था, मैंने पास में गया था वहाँ पर जाकर रोक दिया है, मतलब वहाँ पर अभी चौथे वाले बैन मेलवेयर के साथ है। तो अभी रुक बैन से कह रहा था, लेकिन अभी बैन कह रहा है ठीक है तो वो उधर ही रहना चाहिए, फिर मैं मतलब बड़ा वाला बैन वो इस बड़ा वाले बैन के टाइमलाइन का जो मेलवेयर है इसको भी उधर ही लेकर जाना है, मतलब फ्यूचर का जो जो पास में बेन के पास जहाँ पर मेलवेयर है उसी जगह में फ्यूचर में लेकर जाना है, मतलब बेन के फ्यूचर में जिस जगह के जगह में रखा था गुफा में तो फ्यूचर बड़े वाले बेन के फ्यूचर में भी उस जगह में लेकर जाना है मेलवेयर को। तो वही मेलवेयर को लेकर जाने के बाद ही मतलब ब्लूकिस और गिबा टाइमलाइन को एक साथ कर सकता है, करके मतलब कुछ ना कुछ तो करेगा, मालूम नहीं क्या करेगा। तो जल्दी से जल्दी मैं ब्लूकिस और गिबा के पास जाने मतलब उसके पास जाने वाला हूँ, उससे पहले मैं मेलवेयर को वहाँ पर लेकर जाना है जहाँ पर अभी शायद कुछ ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस का नाम बताया था, रुक जाए एक बार देख लेता हूँ रुक को। हाँ वो बेन ने वहाँ पर रख दिया था जहाँ पर प्लम्बर रहता था। तो आप लोगों ने पता होगा बेन चौथे वाले बेन टेनिसन के सीरीज में एक पहाड़ के पीछे एक प्लम्बर बेस होता है, वहाँ पर जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उन लोग का
बहुत बड़ा बड़ा चेहरा होता है, बना हुआ होता है, उधर ही मतलब उनको लेकर जाना है मेलबेर को मुझे, ऐसा ही बोला था उसने। काश वही हो, मुझे इतना भी समझ नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स अभी और भी मुझसे नहीं हो रहा है भाई इंतज़ार, क्योंकि मैं जितना खेल रहा हूँ उतना ही बहुत मज़ा आ रहा है। जल्दी से जल्दी मैं मेलबेर को ढूंढने वाला हूँ, और अभी अभी न्यू एलियन भी आ रहा है, मतलब एनिमी आ रहा है। तो उसके बाद बेन ने क्या कहा वो आप लोगों को बताता हूँ। फिर रूक ने कहा था कि हाँ मुझे एक प्लेन चाहिए, हमें मतलब इतना बड़ा प्लेन बनाना होगा जो मेलबेर को वहाँ पर लेकर जाए। तो देखो मैं बड़े वाले मेलबेर के पास पहुँच रहा हूँ शायद, इसलिए वहाँ जगह में देखो कुछ ना कुछ मेलबेर की तरह दिखाई दे रहा है। हाँ उसी तरह से दिखाई दे रहा है देखो, और यहाँ पर न्यू एलियन भी आ रहा है भाई, मज़ा आ रहा है गेम खेल कर। तो क्यों मुझे लग रहा है, क्योंकि हम अभी पावर पोर्ट में है लेकिन कंट्रोल रूम में नहीं गया था। हम कंट्रोल रूम में जाने वाला था लेकिन वहाँ पर लिफ्ट ख़राब था, इसलिए हम पावर कोर्ट में नीचे आ गया। तो नाइस भाई, मुझे जल्दी से जल्दी इन लोगों को ख़त्म करके मुझे कंट्रोल रूम में जाना होगा। जब साइड कंट्रोल रूम जाने से पहले मुझे प्रशिक्षण रूम होकर जाना पड़ेगा। ऐसे ही रूम है, एक है जो प्लम्बर अपने रेस्ट रूम कहते हैं शायद, उसको भी रेस्ट रूम ऐसा भी कुछ कहते हैं शायद। तो उस रूम को होकर मुझे कंट्रोल रूम में जाना होगा शायद। कंट्रोल रूम में ही होगा शायद, ये क्या कहते हैं मेलवेयर, ऐसा ही होना चाहिए। प्लीज़ हो जा भाई। और ये जो कंट्रोल रूम है शायद वही बेन के फ्यूचर में, बेन के फ्यूचर में वो गुफा होने वाला है, गुफा था। हाँ बेन के फ्यूचर में वो गुफा था ऐसे भाई, बहुत कन्फ्यूजन में कुछ ना कुछ बना दिया फ्यूचर में, अभी ढूंढते रहो उसको भी भाई। मेरा दिमाग खा दिया भाई, पूरी तरह से दिमाग चला गया मेरा। तो भाई इसको अभी कैसे लुको, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ। तो भाई इतना टाइम लग, इतना जल्दी भाई, इतना तेज तो नहीं हूँ मैं शायद। एक मिनट रुको, पिछली बार की तरह इसको भी मैं आर्टिकोना से स्लो कर सकता हूँ क्या, एक बार ट्राई करता हूँ। ओ भाई हाँ मैं इसको भी स्लो करता हूँ। तो आर्टिकोना कुछ भी कर सकता है, नाइस कोई बात नहीं। तो अभी मुझे ऊपर जाना है। तो ये लिफ्ट देखो, कुछ ना कुछ लिफ्ट को ख़राब करके रखा है, लेकिन किस लिए मालूम नहीं। यहाँ पर बहुत सारे एलियन आ रहा है, सबको ख़त्म कर लेते हो लोग को भाई, तुम लोग टिक नहीं पाओगे इन मेरे ग्रेविटेक के सामने। चल निकल, ये लोग हार क्यों मानता है मालूम नहीं, क्यों मान नहीं लेता है, हर रोज़ मारने के लिए आ जाता है। ओ भाई ये कौन सा जगह है भाई। तो मैं अभी यहाँ पर ग्रेविटेक यूज़ करके बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे ग्रेविटेक, क्योंकि उसका यह पावर देखो दो मुख्य से सबको ऊपर उठा देता है, इसलिए ज़्यादा मतलब ताकत भी नहीं लगाना पड़ता है, ज़्यादा बटन भी नहीं टेपना पड़ता है, सिर्फ घूमते रहो मुक्का मारते रहो घूमते रहो इतना ही। और अगर ज़्यादा एलियन आ जाए तो पूरा आर्टक्विक दे देने से सब खत्म। ये वाला देखो सुपरमैन पंच दोनों एक साथ किया, ये रहा मेरा आर्टक्विक हिट प्लस। अभी मेरा पावर ख़त्म होने वाला है, जल्दी से इनको ख़त्म कर लेता हूँ। चल बेटा तू घर जा। ओ भाई यहाँ पर, ओ नाइस, यहाँ मुझे मतलब यहाँ पर मुझे ब्लॉक्स बनना है, ब्लॉक्स वाला एलियन बनना है, तो उसको लिस्ट से अनलॉक करना है। आजा बेटा आजा, चल चल रुक, मुझे मेलबेर को ढूंढना है, उसको ख़त्म करना है, तुम्हारे लिए प्रोटोकॉल लेना है। चल अभी मुझे भूल गया ये कैसे बनता है भाई, कैसे बंदा था। हाँ मिल गया, गेट आ गया। तो कुछ ना कुछ कंट्रोल समझ में भाई, मतलब बहुत टेंशन हो रहा है अभी, क्योंकि ये एलियन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखो मुझे ग्रेविटेक की ज़रूरत है, लेकिन ग्रेविटेक अभी बन नहीं सकता है क्योंकि मेरा ऑमनीटेस का चार्ज बहुत कम है। तो इसलिए मुझे ग्रेविटेक बनना है, लेकिन ग्रेविटेक का पावर मतलब इतना नहीं इतना है, तो इसलिए मैंने इसका ऑमनीटेस का हाफ बैटरी में ग्रेविटेक नहीं बनता है, इसलिए ग्रेविटेक बनने के लिए फुल पावर चाहिए। और भाई ये वाला कुछ मेलवेयर की तरह दिखाई देते हैं देखो, ये वाला हाँ ठीक है, ये जो बेन अभी लड़ रहे कुछ थोड़ा लगता है। और ठीक है अभी ग्रेविटेक आ गया तो सबको ख़त्म कर दो एक साथ में, देखो मतलब ग्रेविटेक का पावर अच्छा लगता है, सिंगल किसी से भी लड़ना नहीं पड़ता है, तो सबको एक साथ ख़त्म कर सकता है ग्रेविटेक का पावर, इसलिए अच्छा लगता है। अगर दूसरा एलियन है तो सिंगल लड़ना पड़ता है सबके साथ, तो इसको ख़त्म करो उस वो जाता है, वो ख़त्म करो इसको। तो यहाँ पर क्या होता है ग्रेविटेक अगर ऐसे पंच करते रहे तो सब एक साथ ख़त्म हो होता है, सब एक साथ ख़त्म होता है, तो इसलिए अच्छा लगता है इसका पावर। तो यहाँ पर भी मुझे ब्लॉक्स बनकर ब्रिज बनाना है रुक के लिए। बेटा तू जम नहीं कर सकता क्या, तुम्हारे पास तो वो प्रोटोटूल नहीं है ना इसके पास, इसलिए भूल गया।
रूप का पावर था पोर्टल, क्योंकि रूप का जब तक पोर्टल टूटल था उसके पास ही बहुत पावर था। तो फ्रेंड्स इन लोगों को ख़त्म कर लेते हैं जल्दी और आगे बढ़ता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट एनिमी है शायद, ये दोनों ही ख़त्म होने वाला है अभी। ये दोनों ख़त्म होने के बाद शायद हम रेस्ट रूम में जा पाएंगे। ये शायद ये कौन भूल गया, वार रूम था नहीं क्या रूम था। तो ये शायद रेस्ट रूम होगा शायद, ऊपर जाने से मिलेगा शायद। चलो ऊपर जाता, उसके बाद ही मुझे कंट्रोल रूम मिलेगा। ये तो कंट्रोल रूम नहीं है, ये रेस्ट रूम है शायद। अबे लिख कर तो आ, कौन सा रूम है लिख कर तो आ, ऐसा ही होगा शायद। हाँ होना तो सही है, सैनिक कच्चा रूम, मतलब सैनिक कच्चा रूम हिंदी में अगर बोलते हैं तो इंग्लिश में होगा रेस्ट, और इंग्लिश में नहीं ऐसा ही रेस्ट रूम से सही होगा शायद। तो वो भाई यहाँ पर देखो, ये दो दो आ गया है शायद, ये आ सकता है मेरे पास। हाँ आ सकता है, उसी मकड़े की तरह, स्पाइडर की तरह जो जेल के अंदर बंधा था। तो कोई बात नहीं, मैं इन लोगों को ख़त्म कर सकता हूँ। ये ज़्यादा टाइम इतना पावरफुल भी नहीं है, इन लोगों को ख़त्म करके आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस मैं जस्ट इन लोगों को ख़त्म करके आ ही रहा था। तो देखो यहाँ पर बीच में कौन मिल गया। तो देखो पहले तो दो आम नगरी थे, इसको सेफ रखना पड़ेगा मुझे, दो है उड़ गया गैविटी के कारण। बेन ऐसे ही फेमस नहीं है क्या, फेमस है ना डिस्ट्रॉय करने के लिए। भाई दोनों कहाँ गया मालूम नहीं, इसको मैं कोशिश किया था इसको सेफ रखने के लिए, लेकिन सेफ नहीं रहा, ग्रेविटी के पास पावर है ना, मर गया शायद। तो यहाँ पर भी मुझे एक बॉक्स मिला शायद, इसलिए दे रहा है क्योंकि मैं कंट्रोल रूम में शायद मेलवेयर है, इसलिए मुझे बहुत सारा बॉक्स मिला है। पिछली बार येलो मिला था, इस बार स्मूदी मिला है। नाइस, ओ स्मूदी है, ठीक है, ओ नाइस, ठीक है, अभी भी मुझे फोर चाहिए। तो मतलब जितना मुझे स्मूदी मिलेगा उतना ही मतलब गेम प्ले स्मूथ होगा, मतलब उतना ही फास्ट होगा, लैग नहीं करेगा और उतना ही स्पीड काम करेगा। ऐसे ही मैं फास्ट से अभी तक जितना बार खेला हूँ उतना टाइम तो मुझे यही पता लगने के यही पता चला है मुझे स्मूदी से, लेकिन तेरे से क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। क्रिस्टल से चल निकल बेटा, यहाँ से तेरे बाप को भेजना मुझसे लड़ने के लिए, चल निकल। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा एक न्यू गेम प्ले के साथ। वहाँ पर बहुत सारा मज़ेदार गेम प्ले होने वाला है क्योंकि इसके बाद मैं मेलवेयर से लड़ने वाला हूँ। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करना जो न्यू हो, और इस लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अलविदा।